constant evolution, where the line between man and machine begins to blur. A new age of possibility emerges. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको बहुत ही बढ़िया एक स्कूटर दिखाने वाला हूं जो रिसेंटली एथन ने लॉन्च किया है। उसका नाम है रिस्टा, जैसा कि आपने मेरे इंस्टाग्राम में देख लिया होगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए आपको वॉक अराउंड देता हूँ रिस्टा का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है ब्रांड न्यू रिस्टा जी। इसमें दो मॉडल्स लॉन्च किए हैं कंपनी ने, जिसमें 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, रिस्टा एस और रिस्टा जी। एंड इसमें आपको बैटरी पैकेज जो मिलता है 2.9 किलोवाट का, और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें 3.7 किलोवाट की बैटरी वेरिएंट देखने को मिल जाती है। एंड आप देख सकते हैं ये एक फैमिली स्कूटर इन लोगों ने बनाई है, ताकि आप और भी कंफर्टेबली राइड कर सके अपनी फैमिली के साथ में। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस दे रखी हैं आपके सामान रखने के लिए। एंड इवन इंडिया की सबसे बिगर सीट आपको देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको देखने को मिलती है। एंड पीछे से अगर टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे पुली एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है। कुछ अलग तरीके की यहाँ पे आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी एथर की तरफ से। यहाँ पे एथर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, नंबर इस तरीके का है। यहाँ पे आपको बैक सपोर्ट भी देखने को मिलेगा पिलियन राइडर के लिए, ये पूरा फुल मेटल देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस आपको यहाँ पे 34 लीटर की देखने को मिल जाती है, एंड 22 लीटर तक आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे सामान रखे हुए हैं। अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी प्रोविज़न देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप एक चार्जिंग केस लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आप हेलमेट को भी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो सबसे हैंडी चीज़ मुझे देखने को लगी है, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको पूरा निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अपना चार्जिंग केस इस तरीके से लगा सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपके वॉलेट्स हैं और कोई गंदा कपड़ा आपको रखना है, तो यहाँ पे भी छोटा सा एक बूट स्पेस दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। एंड ये बहुत ही मदद करने वाला है आपको आगे चल करके। एंड अगर मैं बात करूँ फ्रंट के यहाँ पे बैग्स की, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखें, बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सारे सामान रखे हुए हैं। एंड यहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप गाड़ी को यहाँ से चार्ज कर सकते हो, जैसा कि आपने 450S में देखा होगा। एंड फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको देख सकते हो यहाँ पे हेडलाइट फुली एलईडी देखने को मिल जाती है। ये जो कलर है येलो कलर है, यहाँ पे आपको 7 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और अगर आप बेस वेरिएंट की बात करूँ, वहाँ पे आपको 3 मोनो कलर देखने को मिल जाते हैं। ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कलर देखने को मिल रहा है। अगर इसके साइड मिरर की बात करूँ तो साइड मिरर भी बहुत सफिशिएंट है। अगर गाड़ी की वेट की बात करूँ तो गाड़ी जो है 119 केजी की है। इसकी जो सीट हाइट है वो भी बहुत ही कम है, आप इजीली चला सकते हो। अगर किसी लड़की को इसको चलाना हो तो बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकती है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, बहुत ही बढ़िया बैलेंसिंग की गई है। एंड अगर इसका फुटरेस्ट देख सकते हो, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर टायर आपको दिख जाते हैं अच्छे खासे, जो अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। यहाँ पर बेल्ट ड्राइव देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपके जो रियर व्हील है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूँ, फ्रंट टायर भी आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ ही आती है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी 200 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। एंड ब्रेकिंग भी एक नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर यहाँ शॉकर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो, मैं अगर इसमें बैठता हूँ तो बहुत स्मूथ मुझे शॉकर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत कम्फर्ट होने वाले हैं मेरे राइडिंग के लिए। एंड यहाँ पे आपको फुली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जो कि अभी ऑन नहीं है। राइड वीडियो राइड में मैं आपको इस चीज़ के बारे में दिखा दूंगा। बाकी स्विचेज आपके एज यूजल जैसे एथर 450S में वैसे ही आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अब
जो रिश्ता है वो एथर स्टैक 6 के साथ अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मैजिकल ट्विस्ट देखने को मिल जाता है फीचर, और भी दो तीन चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर दी गई हैं। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 125 किलोमीटर की स्मार्ट इको में रेंज देखने को मिल जाती है, ट्रू रेंज, एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है पहले के मुकाबले। तो आप ज़्यादा यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ राइड कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल ये गाड़ी होने वाली है आपके लिए। प्राइस की बात करूँ, जो लोअर वेरिएंट है वो आपको 1,23,000 की देखने को मिल जाती है एक शोरूम बैंगलोर, एंड अगर मैं टॉप एंड वेरिएंट की बात करूँ वो आपको मिलती है 1,44,000 एक शोरूम बैंगलोर। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दिखा दूंगा। तो गाड़ी यार मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया एथर ने ये बनाई है। तो अगर इसमें बैठता हूँ अगर मैं, तो आप देख सकते हो मेरी हाइट 5'8" है और इजीली मेरे पैर यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इवन ये जो गाड़ी है बहुत ही हल्की देखने को मिल रही है, तो लड़कियों के लिए बहुत इजी होने वाली है। अगर आपकी हाइट 5'3" भी है तो आप इसको ईजिली हैंडल कर लोगे। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी बढ़िया दी हुई है कि आपको इसको स्लो राइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया दी गई हैं, मेरे हिसाब से एक नंबर है। आप लोग का क्या कहना है? एंड इवन इसका जो कलर है ना वो भी बहुत ही बढ़िया एक हेड टर्निंग मोमेंट बना रहा है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड हेड टर्निंग वाली मोमेंट बना रही है, क्योंकि दिखने में भी बहुत अच्छी है, स्पेशियस है, एंड आप देख सकते हो बहुत ही बिगर आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो थी, होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। जल्दी मैं इसमें राइड रिव्यू लेके आऊँगा, तो आप उसके लिए भी बने रहिए। मीडिया राइड होने वाली है, उसमें आपको इसकी राइड रिव्यू और पूरी डिटेल बताऊँगा चलने में कैसी है। हालांकि जो एथर की स्कूटर्स हैं वो चलने में बहुत ही बढ़िया है, मैंने स्पेशली चलाई। अगर आप लोगों ने एथर 450S का रिव्यू नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, 3 साल की वारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यार वारंटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। अब रोड में देखते हैं ये कितना कमाल दिखाती है, वो तो आपको मैं मीडिया राइड में ही बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रैपअप करते हैं। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं मैं आपकी स्क्रीन पर लिख के दे दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद केसी व्लॉग्स, टिल देन बाय बाय।